चले पॉप पे चले। ओ भाई सब रेडी हो गए। आज फिर सैटरडे आ गया। आज ये लोग फिर लेके जा रहे हैं। इब्राहिम भी आ गया है, हाकिम भाई भी इधर है, मैं भी हूँ, हफ्जा बस एक मिनट में आ रही है। आपको पता है फिर हर हफ्ते जाना तो पड़ता है, आखिर वीडियो बनानी है। लेकिन आप लोग भी बहुत कंजूसी करते हो, कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं, कॉमेंट नहीं। भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतनी दूर जा जाके वीडियो बना रहे हैं। आज हम जा रहे हैं एक वियतनामीज रेस्टोरेंट, और वहां पे पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये फो और शो, क्या क्या खानों के नाम है। अपने को तो चाइनीज नाम नहीं सही समझ आए, तो अभी वियतनामीज भी याद करने पड़ेंगे। मेरा तो आज दिमाग काम ही नहीं कर रहा, यहाँ से घंटे की ड्राइव है, तो फिर आओ मेरे नाल। ओहो आज क्या हो गया, दामाद को बाबर भाई का डायलॉग निकल रहा है। तो ऐसा करते हैं, तो फिर आओ चले। ओहो यार ये क्या हो रहा है आज, मेरे से लगता है वियतनामीज खाने ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। एकदम शानदार जबरदस्त जो, ओहो ये RHS भी बीच में आ गया। सारी बातें खत्म करो यार, इससे पहले मेरा दिमाग घूमे। चलो व्लॉग शुरू करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं। तो फिर चलो भाई। भाई फाइन, आज सब जा रहे हैं, हफ्जा मैं बच्चे सारे, लेट्स गो। तो आज बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे, छोटी में फिर आपको पता है पूरे आते नहीं है। तो लेट्स गो, आज चलते हैं और देखते हैं क्या मजा होता है। चले भाई, आज का ब्लूपर तो हो भी गया। चले वरन बताएं क्या किया आपने। भाई गया था डाइट स्प्राइट लेने, मैंने कहा व्हाइट बोतल में डाइट ही होती है, पिया तो ऐसा जबरदस्त टेस्ट है। मैंने कहा यार आजकल तो डाइट भी जो रेगुलर से ज्यादा अच्छी है, देखा तो ये तो रेगुलर से भी ज्यादा शुगर है इसमें, डाइट है ही नहीं। ये लेमन लाइम फ्लेवर है और मैं पी गया, इसमें तो 126% एक्स्ट्रा शुगर है जो डेली चाहिए, तो इसको रख देते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा खाना वाना भी खाना है तो डाइट ना खराब हो जाए। हुरम आपको मैं एक बताऊं कि जब हम डाइट चीजें खाते हैं ना तो क्रेविंग ज्यादा बढ़ जाती है। ये बस अच्छा हमको मिथ ही है कि हम लोगों को डाइट ये चीज लेनी चाहिए, ये वो क्रेविंग को बढ़ा देती है। इससे बेहतर है रेगुलर सोडा लेने, क्योंकि उसकी रीज़न भी आपको मैं बताऊं, उसमें आर्टिफिशियल शुगर यूज़ होती है, इसलिए जो है ना वो क्रेविंग को बढ़ा देती है। हम लोगों को ये जो डाइट सोडे हैं वो नहीं पीने चाहिए। चलिए आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे हम लोगों को इतना टाइम लगेगा, 1 hour 23 minutes है। A few moments later. पहले इनका मेन्यू चेक करते हैं क्या क्या मेन्यू में। वन स्प्रिंग रोल, रोटी पराठा, लेट्स डू रोटी पराठा, नो नो आई डोंट वांट टू ट्राई, ओके लेट्स डू वन चिकन फो, वन दिस इज व्हाट वर्मिसली, यस वर्मिसली, लेट्स डू वन ग्रिल्ड चिकन वर्मिसली। ये तीन नूडल्स हैं। अच्छा मुझे ये तो बताएं चंपा जो नाम है ये आपके ख्याल से क्या होगा। मैं तो समझो शायद वो इंडियन फिल्मों वाली चंपा है, कोई चिकन विकन लेके आएगी, अब ये तो आएगी तो पता चलेगा। नहीं नहीं चंपा जो है ना वियतनाम में किंगडम था एक। अच्छा यस उसका नाम चंपा था। बस तो फिर चंपा को बुला लो, हम भी अपना किंगडम बसा लें थोड़ा, अभी देखते हैं क्या होता है। बराबर वो है टाको बेल, मैं तो निकल जाऊंगा साइड साइड से। आपने सोचा हुआ कि अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप टाको बेल चलेंगे। हाँ अब ये नाम ही ऐसे हैं, शेकिंग बीफ बो लुक लाक। अब शेकिंग बीफ जो है ये ना हो कि गाय आ जाए हिलती हुई ऐसे। नहीं नहीं शेकिंग बीफ क्या है, इसमें क्यूकम्बर है, सोया सॉस में ये कुक होता है, और ये फ्रेंच भाई शेकिंग का मतलब तो हिल रहा है ना। नो नो यस यू राइट, लेकिन ये वो वाला शेकिंग नहीं है, ये फ्रेंच जो है कुजीन से इन लोगों ने इंस्पायर होके बनाया है। शेकिंग बीफ आगे लिखा हुआ है बो लुक लाक, मैं आपको इसमें से बू आती होगी आप देख लो सोच लो उसके बाद मंगाओ। नहीं नहीं ये जो है ना मैंने आपको बताया ना सोया सॉस में कुक होते हैं, स्मॉल पीसीस में कट होते हैं, और ये जो डिश है इंस्पायर हुई है फ्रेंच कुजीन से। अच्छा भाई अल्लाह जो पैसे खर्च किए उसको हलाल करना, सही खाना है ये, नौ बाद में 1-2 रुपए वाला बाहर से सैंडविच खाना पड़े। आज तो आते हुए इतनी रास्ते में तबीयत खराब होगी, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं है, और मेरे ख्याल से कुछ खा लेना चाहिए था। 2 hours की ड्राइव थी, एक्सट्रीमली गंदा एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवल का। हुरम की भी तबीयत खराब हो रही थी, मेरी तो वाकई लिटरली होगी रास्ते में, जबकि हम लोगों ने वाटरमेलन भी लिया लेकिन मेरे से वो भी नहीं खाया गया, वो भी अभी तक गाड़ी में ही है। तो ये है कि बहुत एक्साइटमेंट है कि खाना अल्लाह करे कि बहुत अच्छा हो। और ये इनका जो है मैंगो पैशन आ गया है, ये भी ट्राई करते हैं कैसा है। उसके बाद ये जो है मेलोनेट आ गया है, ये मेलोनेट है, ये भी ट्राई करेंगे। पहले ट्राई वो वाला,
मैंने तो ट्राई किया, मुझे मैंगो पैशन पसंद आया। अच्छा, जरा लेमनेड है इसलिए मुझे जरा टेस्ट दोनों का अच्छा है। भाई ये इन्होंने इसके अंदर चिया सीड्स डाले हुए हैं, इसको तुखमलंगे कहते हैं। फिर स्ट्रॉबेरीज काट के डाली हुई हैं और साथ इसमें मैंगो छोटा थोड़ा काट के डाला है और ये मेलन फ्लेवर है लेमनेड के साथ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छा है लेकिन ये टेस्ट पहले पिया हुआ है। ये स्प्रिंग रोल है इनके, आप देख सकते हैं श्रिंप है, फिर ये ट्रांसपेरेंट जो शीट है, ये राइस पेपर है, ये जो है हमारे एग रोल है, एग रोल जो है क्रंची है, और ये वाले स्प्रिंग रोल। ये हफ्जा ट्राई कर रही है जो स्प्रिंग रोल आए हैं जिसपे श्रिंप लगे हुए, जिस पे श्रिम्प लगे हुए। मैं ज़रा इनसे थोड़ा वो रहता हूँ, मैंने कहा कि चंपा शंपा पहले आएगा, ये आ गए श्रिम्प, तो ये हफ्ते ही ट्राई करके बताया कि हाँ बहुत अच्छे हैं, मेरे लिहाज से परफेक्ट है। पीनट बटर सॉस के मुझे साथ बहुत, इनकी सॉस बहुत मज़े की है। ये जो है ब्लैंड है लेकिन ये एक मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, लाइट है बहुत, या मतलब अगर आप डाइट पे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपका भाई तो करने लगा चिकन फ्राइड राइस ट्राई, तो चिकन के बड़े बड़े चंक्स हैं वैसे इसमें, सर्विंग जो है मुझे थोड़ी छोटी लग रही है इनकी प्राइस के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पहले हम ये ट्राई करते हैं, मेरा दिल कर रहा है इस पे थोड़ी सी पीनट बटर सॉस डालने, फिर हम नहीं, फिर आपको एक्चुअल टेस्ट कैसे पता चलेगा, निकाल देते हैं। ये जो है बस सही है, जैसे हमारा स्टाइल होता है ना, ज़रा तेल तेल वाले फ्राइड, वो वाला नहीं है इनका, बिल्कुल ज़रा ड्राई सा है, तो कोई हाँ वो आ गया। वो मैंने आपको जैसे बताया था राइस नूडल्स हैं, सॉरी राइस नूडल्स नहीं, नूडल सूप है, जैसे यखनी नहीं होती लेकिन काफ़ी टेस्टी ही होता है, ये इनका अपने स्टाइल में। और ये इसके अंदर इसकी राइस नूडल्स हैं, जी जी, ये इसके अंदर चिकन है जो बिल्कुल से बॉईल है, हाँ ब्रोथ है। फिर इसके अलावा मुझे इसके अंदर ये प्याज लग रहे हैं, फ्राइड प्याज है, रेगुलर प्याज है, सिलांट्रो है, और जो भी इनकी स्पाइसेस है बाकी आप इसके अंदर जो भी मिक्स करके खाना है वो आप खाएंगे। ये बेसिकली सूप है लेकिन ये बहुत हेल्दी सूप है। और ये जो है वियतनाम की नेशनल डिश भी है, इसके साथ इन्होंने आप ये देखें ये सब किए, अब क्या कहते हैं इसके बारे में। अब भाई ये स्पेशली चंपा आई थी अंदर से, कहने लगी स्प्रिंग रोल ट्राई करो, मैंने कहा गर्म बहुत है लेकिन ट्राई कर लेते हैं स्प्रिंग रोल्स को, इसके अंदर एग शेक अपने मज़े के हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे जैसे हम घर में रोल बनाते हैं, इसमें वही है, कैरेट्स हैं, नूडल्स हैं, थोड़ी सी चिकन है, बरेट्स ऑफ इनका चिकन वर्मिसेली है, इसको तो उठाते हैं। ये इनका सिलांट्रो है, ये कैरेट्स हैं, ये क्यूकम्बर्स हैं, ये सिलांट्रो है, ये कुछ आई थिंक लेटस है, ये वो प्याज वगैरह जो होता है छोटा वाला ग्रीन अनियन जो होता है, और ये आई डोंट नो बॉक चॉय है शायद, नहीं नहीं मूंग बीन्स हैं, और नीचे इसके जो है वही थिन नूडल्स हैं, वर्मिसेली है, वर्मिसेली जो होती है थिन नूडल्स हैं, आप देख सकते हैं, खा के देखते हैं। तो यार ये बेहतरीन है, ये हुरम को पसंद है, ये मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये तो ऐसे है कि आप डाइट शाइट पे भी हो ना तो इसमें कुछ, ये वो है ना फ्राइड नूडल वाली जो है चिकन, नहीं हाँ समझ आ गया, राइस नूडल वाली वो, जबकि इसको राइस नूडल भी बोला जाता है, नूडल है इसके अंदर, ब्रोकली है, चिकन है, कैरेट्स है, लेटस है, स्प्रिंग अनियन है, सब कुछ है, इसको ट्राई मारते हैं। ये सेम थिंग लग रही है लेकिन ये फ्राइड नूडल्स के साथ है, क्लियर के साथ, ये रेगुलर, हाँ ये नूडल सूप, इसको बोलते हैं नूडल सूप या फो, अब जरा ट्राई कर लीजिए। हाँ भाई डिलीशियस, बहुत लाइट सा है अरोमा और इसका टेस्ट, और ये कि मैं कहती हूँ सुपर डिलीशियस। हफ्जा कह रही है बहुत अच्छे, मुझे तो लग रहा है ऐसे सूप से पहले सब्जियाँ नहीं उबालते हैं वैसा वो चक्कर लग रहा है, लेकिन चलो ट्राई मार के देखते हैं। ये तो मुझे यखनी स्टाइल लग रहा है, बिल्कुल जिस तरह यखनी नहीं बनाते, यखनी है उसके अंदर नूडल, मुझे लग रहा है इसमें वो श्रीराचा वगैरह ये वो डाल के ऐड करेंगे तो फिर सही होगा। ये जो है शेकिंग पीस है, अच्छा जी ये शेक हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बेसिकली शेक हो रहा है, इस
बात से कि मुझे फ्रेंच डिश है और फ्रेंच कुजीन से ये इंस्पायर होके वियतनामीज कुजीन में आया। अच्छा जी, ये बीफ है, कैप्सिकम है, बेल पेपर जो होती है, अनियन है और ये वाइट राइस है। पहले मैं इसको ट्राई मारता हूँ। ये अच्छा है, ये हमारा वाला स्टाइल है, ज़रा तेल शेल वाला। हाँ, इसमें ऑयल नज़र तो ज़रा फ्राइड हुआ है तो उसका हमें टेस्ट आ रहा है क्योंकि हम यूज़ टू इसके। इसी वर्ड्स में टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फिर से पूछें ना तो हेल्दी फूड है, न्यूट्रिशियस भी और बहुत लाइट है, तो मतलब आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही कोई टिपिकल हैं कि मतलब आपने खाना है पाकिस्तानी फूड तो फिर आपके लिए नहीं है। ये इनकी फ़िश है, इसका नाम है चंपा फिश और ये लेमन ग्रास में कोई भी, ये मैरिनेट साथ वाइट राइस के। ये जो है सॉस है, ये सैलड है और पूरा हम इसको खा के बताएंगे कि कैसी। पूरा हम जो है ट्राई करने लगे हैं चंपा फिश सॉस कैसी है। पूरा स्वीट टाइप की सॉस है, स्वीट सॉस के साथ इन्होंने सर्व किए लेमन ग्रास की ये जो है मैरिनेट हुई हुई है। ये अच्छी है। ये ग्रिल की हुई है, ग्रिल की हुई है और वैसे भी लेमन ग्रास में मैरिनेट हुई है। दिस इज़ गुड, ये पहले आना चाहिए। लें जी, सब आ गए हैं बाहर खाना खा के। हाँ भाई हफ्ज़ा, फिर क्या रिव्यू है? ओवरऑल मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए हेल्दी फूड आप डाइट पे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर जब भी आप इधर आओ ऑर्डर प्लेस करो तो वन पर्सन के लिए वन जो है ना ऑर्डर इनफ होगा। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप एक डिश मंगवा रहे हो तो आप दो लोग शेयर कर लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जैसे चिकन की कोई भी डिश आपने मंगवाई है तो उसमें ज़्यादा वेजीज़ हैं और जो चिकन की क्वांटिटी है वो लिमिटेड सी है, तो आप शेयरिंग नहीं कर सकते। वन पर्सन के लिए वन डिश जो है ना इनफ, दैट्स इट। भाई भाई अपना रिव्यू तो ये है कि डिशें हैं बहुत छोटी और ज़्यादा है डाइट खाने वाली। हमें तो वो चाहिए कि हाथ से तेल गिर रहे हो, मुंह में ऐसे बार बार नैपकिन इस्तेमाल करना पड़ रहा हो, तो अपने लिए ठीक है। अब ये है भाई कि छः लोगों ने खाना खाया तो बात कर लें, चीप नहीं है, ऑलमोस्ट आपको $170 to $200 के दरमियान खाना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप छः लोग आए हैं। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, अपना पेट तो भाई फुल नहीं हुआ, तो मैं तो अफजा को यही कह रहा हूँ अभी रस्ते में किसी दूसरे रेस्टोरेंट में रुकना पड़ेगा, एक क्लब सैंडविच हो जाए। चीट डे है, बच्चे भी हैं, क्लब सैंडविच के बगैर तो होता है फिर ज़िंदगी अधूरी है। क्या ख्याल है अफजा? नहीं, मैं तो फुल हूँ, मुझे तो ऐसी फूड पसंद है, इसलिए मुझे भाई फुल तो मैं भी हूँ, लेकिन अभी गाड़ी चलेगी, हिलेगी जुलेगी तो फूड तो हजम हो जाएगा। स्टमक का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जो कि भरा ना हो। आई एम सो नहीं भाई अपने को, और तो यकीन करें मुझे ऐसी फूड खानी थी तो मैं तो इतनी खुश हुई हूँ। जैसे फो है, सूप है, ठीक है, और बड़ा लाइट सा सूप है, चिकन भी है उसमें, क्वांटिटी लिमिटेड सी है। अब अगर आप नूडल्स को आप एलिमिनेट कर दें तो फुल। अब आप सुन लो, लाइट है, लिमिटेड है, लाइट है, लिमिटेड है, तो हमारी तो गाड़ी भी अनलिमिटेड है भाई, भूख भी अनलिमिटेड है, तो हमने तो अब दूसरे रेस्टोरेंट जाना है। तो भाई अगर यहाँ आना है तो आप सोच लो एक रेस्टोरेंट नहीं, ज़्यादा टाइम निकाल के आओ ताकि दूसरे रेस्टोरेंट भी जाओ और एक क्लब सैंडविच या पिज्ज़ा शिज्ज़ा क्रंची चिकन खाओ, तब आपको मिलते हैं दूसरे रेस्टोरेंट पर। A few moments later. चलें भाई, फाइनली हम लोग मिर्ची कैफ़े पहुंच गए हैं, क्योंकि फिर हम कह रहे थे कि इनका दिल कर रहा है क्लब खाने को, तो फिर हम अब आप क्या ऑर्डर करेंगे? भाई वही है क्लब सैंडविच और ये वो, बस जाते हैं ऑर्डर करते हैं और लेके आते हैं, लेट्स गो। चलें भाई, हुरम ये क्या हो रहा है? भाई असल में वहाँ रुक के खाने का प्लान कैंसिल हो गया था, तो हमने कहा टू गो करा लेते हैं, भाई पेट ही नहीं भरा, कुछ तो डालेंगे पेट में, प्लेट पेट तो भरे, अब ये क्लब सैंडविच आया है, जरा ये खाते हैं, कोल्सलाव फ्राइज यही अपनी खुराक है। और यहीं पे आज यहाँ का आज रात का व्लॉग एंड करते हैं, मैं सोच रहा हूँ वहाँ बैठ के आराम से खाओ, दी एंड।